माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अपने स्वार्थ महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए क्यों बिहार को बर्बाद करने का संकल्प पूरा कर रहे हैं? आपने उस जंगल अराज के पुरोधा को गलबहिया कर लिया जो बिहार के अंदर अराजकता, जातीय नरसंहार, अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार का उद्योग चलाता था। आप मुख्यमंत्री जी आज जो देशाटन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, इससे बिहार को क्या फायदा होगा? बिहार की जनता को इससे क्या लाभ होगा? लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के उस सपना को चकनाचूर कर रहे हैं जो कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना किए थे। आप उस भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठकर उसके साथ सरकार चला रहे हैं और बिहार के अंदर अराजकता का माहौल बना रहे हैं। आज अपराध, हत्या, लूट, बलात्कार खुल करके बिहार के अंदर हो रहा है। थाना आपका केस नहीं ले रहा है, जो जा रहा है उसे भयभीत कर रहा है ताकि अपराध का ग्राफ थाना में घटे और इस तरह का माहौल, अराजकता का भ्रष्टाचार खुल करके विभाग के अंदर है। आज 1000 करोड़ का घोटाला जो विधानसभा के सभा पटल पर आने का था, आपने क्यों नहीं आने दिया? आप किस तरह से टेक्निकल रूप से आप और केजरीवाल जी देश के अंदर भ्रष्टाचार का एक नया स्वरूप दिए हैं और इस माहौल को, देश की जनता को भरमाने के लिए आपातकाल का नाम दे रहे हैं। बिहार के अंदर आपातकाल है। आज यहाँ पर विपक्ष की आवाज़ को दबाई जा रही है, विपक्ष के अधिकार को रोका जा रहा है, विपक्ष को पारदर्शिता के साथ निरीक्षण करने का अवसर नहीं दे रहे हैं, सुरक्षा नहीं दे रहे हैं और दूसरी तरफ पत्रकारों को भयभीत कर रहे हैं। जो पत्रकार आवाज़ उठाता है उसको डराया जाता है या उसके ऊपर FIR किया जाता है, विज्ञापन रोकने की धमकी दी जाती है। आज बिहार के अंदर पूरी अराजकता का माहौल है और इसके विरुद्ध आज लोग, पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, पेयजल बिहार के अंदर नहीं मिल रहा है। आपका 27,000 करोड़ से ज़्यादा हर घर नल का जल जो 7 निश्चय के तहत आपने लूट की छूट दिया, उसका परिणाम दिखाई पड़ रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार के अंदर शासन संभल नहीं रहा, बिहार में आग लगाकर देश को बचाने की नाटक बंद करिए, अपने बिहार को संभालिए। अपने आधे दर्जन मंत्री को लेकर के जो देशाटन कर रहे हैं, बिहार के जनता के पैसे की बर्बादी कर रहे हैं और जनादेश आपको नहीं मिला था। जनादेश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला था। चोर दरवाजे से लाकर जिन भ्रष्टाचारियों, अपराधियों के साथ आपने गलबहियाँ किया, आपके मंत्रिमंडल में हत्या करने वाला एक मंत्री जो आरोप इसराइल मंसूरी को लगाया, FIR तक नहीं होने दिए, ये देश की जनता, बिहार की जनता पूछ रही है, जवाब देना है। विपक्ष की एक भी आवाज़ पर आप जवाब नहीं देते हैं क्योंकि आपके पास हिम्मत ही नहीं है। आपके मंत्रिमंडल में हत्या करने वाला एक मंत्री जो आरोप इसराइल मंसूरी को लगाया, FIR तक नहीं होने दिए, ये देश की जनता, बिहार की जनता पूछ रही है, जवाब देना है। विपक्ष की एक भी आवाज़ पर। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।